आप सभी का स्वागत है। अभी इस वीडियो में जो टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगा वो टॉपिक है, एक पहला ऑफसेट टूल, सेकंड टूल है सिमेट्री टूल, एंड फिर उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस इन्हीं टूल को यूज़ करते हुए मैं बताऊंगा। तो देखिए, ऑफसेट टूल जनरली यूज़ होता है पैरेलल ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करने के लिए। पैरेलल मीन्स, अगर आपने सपोज एक लाइन ड्रॉ की हुई है और आप चाह रहे हैं कि उसी लाइन के आगे एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाए, तो आप ऑफसेट टूल के थ्रू उसको बहुत ईजिली कर सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि पैरेलल ही हम सिर्फ लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं, पैरेलल ही कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे एलिप्स हो, ये सारे ऑब्जेक्ट को ये ऑफसेट करके आपको दे देता है। ठीक है, तो इन्हीं टूल को मैं आपको डिस्कस करूँगा, फिर उसके बाद मैं आपको ये ड्राइंग देखे, आप देख रहे होंगे जैसे ये जो पी है इसमें आप देखेंगे पैरेलल ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, तो ये ड्राइंग को भी आपको बताऊँगा। फिर ये आप देखेंगे, देखेंगे जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ये है, ये लाइन है इसके पैरेलल ये है, तो इसमें मैं ऑफसेट टूल आपको बताऊंगा। सिमेट्री टूल का यूज़ होगा नहीं, बट मैं सिमेट्री टूल आपको एक बार डिस्कस करूंगा कि एग्जैक्टली सिमेट्री टूल होता क्या है। अभी चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आपने किसी एक लाइन को ड्रॉ किया हुआ है और आप चाह रहे हैं कि इसी लाइन के पैरेलल ही एक लाइन और आ जाए किसी स्पेसिफाइड डिस्टेंस के साथ, तो आप इस लाइन को जब सेलेक्ट करके ये मिरर ऑपरेशन टूल, बाद में ये मिरर टूल है, इसमें इस एरो पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे सबसे लास्ट में एक टूल होता है हमारे पास, इस टूल का नेम है ऑफसेट। जब हम ऑफसेट पिक करते हैं तो आप देखेंगे उस पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल ही ये क्या हो रहा है, हमको लाइन लाकर दे दे रहा है। अब ये लाइन हमें लाकर दिया हुआ है, हमें बस अब इस लाइन के डायमेंशन को, मतलब जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, उसको चेंज करना होगा। सिंपल है, आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और फिर ऑफसेट टूल पिक करके आपको सिर्फ डायरेक्शन डिफाइन करना है कि किस डायरेक्शन पे आपको ऑफसेट करना है। मतलब मेरे को ये वाले डायरेक्शन पे करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको एडिट करना है। ठीक है, तो ये होता है ऑफसेट। आप ऐसा नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करें, आप ऑफसेट टूल लेके बाद में भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ऑफसेट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, हर ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है। मतलब आपने सर्कल अगर बनाया हुआ है और आप चाह रहे हैं इसी के पैरेलल ही ऑब्जेक्ट बन जाए, तो आप देखेंगे ये सर्कल ही बनने लगा। अब जब ये सर्कल बनेगा तो ये दोनों सर्कल के बीच का डिस्टेंस डिफाइन करने को बोलेगा, बट इनके हिसाब चाह रहे हैं कि हमें डिस्टेंस नहीं, हमें सर्कल का रेडियस या डायमीटर देना है, तो वो तो मैंने आपको बताया ही हुआ है। आप अपने हिसाब से डायमेंशन को डिलीट करके अपने हिसाब से जो भी डायमेंशन देना है आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ऑफसेट टूल। ऑफसेट टूल को यूज़ करते हुए मैं कुछ ड्राइंग्स आपको अभी बनवाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट जो टूल मैं आपको डिस्कस कर रहा था वो है सिमेट्री। सिमेट्री जस्ट लाइक ए मिरर ही है, बस इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सपोज आपने कुछ भी ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये बनाया, मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, अब मैं चाहता हूँ सेम ऑब्जेक्ट ये जो है इस एक्सिस के अबाउट इधर होना चाहिए था, सिर्फ इधर ही होना चाहिए था, इधर नहीं होना था। मतलब मिरर में क्या था कि ये ऑब्जेक्ट यहीं रहेगा, इसके साथ ही सिमेट्रिकली एक ऑब्जेक्ट इधर भी आ जाएगा, बट मैं चाहता हूँ ये इधर ना रहे, इधर आ जाए। तो आप इस ऑब्जेक्ट को जो सिलेक्टेड है इसको सेलेक्ट रहने दें, अगर नहीं है तो सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर यहाँ पर ही आप देखेंगे सैरो पे क्लिक करेंगे, ये टूल होता है सिमेट्री। सिमेट्री का मीनिंग क्या है इसमें कि जब आप इस एक्सेस के अबाउट सिमेट्री करेंगे तो जो प्रीवियस ऑब्जेक्ट था जिसको जिसके थ्रू आपने सिमेट्री किया था वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक इसका इतना हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, बट एक ऑप्शन था तो मैंने आपसे इसमें डिस्कस किया। ठीक है, तो अभी देखें ये ड्राइंग मैं आपको पहले ये वाला ड्राइंग आपको बना के दिखाऊंगा बी। ठीक है, तो इसमें आपको ऑफसेट टूल का यूज़ हो जाएगा। तो देखिए, इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले अगर हम इसमें सबसे पहले मैं अगर क्या करता हूँ कि सर्कल का ये आउटर पेरिफेरी बस पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए, आप देख रहे होंगे ये आउटर पेरिफेरी आपको दिख रही है, इसको मैं ड्रॉ कर लूँ तो इसके अंदर वाले सारे ऑब्जेक्ट ऑफसेट के थ्रू आ सकते हैं। पैरेलल देखिए, ये लाइन के पैरेलल ये लाइन है 10 डिस्टेंस पे, ये 30 है तो ये 20 है तो ये भी 10 डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस भी 10 ही है क्योंकि आप देखेंगे 30 माइनस 20 आप करेंगे तो ये डिस्टेंस भी 10 ही आएगा। तो अभी हम एक काम करते हैं, पहले आउटर पूरा पेरिफेरी इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले ऊपर जो ये सर्कल है 30 रेडियस का, इसको ड्रॉ करता हूँ। मैंने इस पॉइंट को सेंटर देते हुए यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया 30 का। फिर इसके बाद इसी सर्कल के एक्सेस, ये आप बोल सकते हैं वर्टिकल एक्सेस के अलोंग एक सर्कल मैं और ड्रॉ करूंगा, इस सर्कल का रेडियस दूंगा 40।
इसके बाद नेक्स्ट मेरे को ये दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है ये देना है 60। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें एक हॉरिजेंटल लाइन, फिर देन एक वर्टिकल लाइन, फिर अगेन एक हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करना है। आप देख रहे होंगे ये, तो अभी मैं यहाँ से प्रोफाइल यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को कंटिन्यूस लाइन चाहिए, तो मैंने प्रोफाइल यूज़ करते हुए ये लाइन बनाया। फिर देखिए, अब मेरे को ये लाइन किधर एंड करना था ये नहीं पता था, तो मैंने अंदाजे से कहीं पे भी एंड करा और फिर मैं इसको इधर पे क्लिक कर दूंगा। अब मेरे को पता है कि ये लाइन कैसा होना चाहिए था, ये लाइन होना चाहिए था हॉरिजेंटल, तो मैंने इसको हॉरिजेंटल किया। और मेरे को ये लाइन का लेंथ भी डिफाइंड है, ये लाइन का लेंथ है 30। तो आप देखेंगे ये कंस्ट्रेंट ड्राइंग हमारा हो चुका है, अब हम इसको ट्रिम करेंगे। तो मैंने ट्रिम टूल क्लिक करके इसको ट्रिमिंग करता गया। तो देखिए ये आउटर पेरिफेरी तो हमने इसका कवर कर लिया है ड्रॉबल। अब हमें क्या करना है, ऑफसेट। तो देखिए, अगर हम चाह रहे हैं कि हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करना है तो वो भी ऑप्शन है, बट उसमें कुछ एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है वो अभी हम देखते हैं। देखिए, अगर मैं चाह रहा हूँ ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ऑफसेट हो जाए, तो जब आप कंट्रोल बटन प्रेस करके सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके ऑफसेट करेंगे, ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट करके जब ऑफसेट मैं यहाँ पर पिक कर रहा हूँ, ये ऑफसेट पिक किया, तो आप देखेंगे ये पूरा ऑब्जेक्ट ऑफसेट होके आ रहा है। बट होगा क्या है, जब ये ऑफसेट होके आएगा तो किसी भी कंस्ट्रेंट को फॉलो नहीं करेगा। मतलब जैसे कि ये लाइन हमारा वर्टिकल होना चाहिए, तो देखिए ये वर्टिकल नहीं रहेगा, ये हॉरिजेंटल होना था हॉरिजेंटल नहीं रहेगा, तो एक इसमें ये इशू होता है। तो मल्टीपल ऑफसेट हो सकता है, लेकिन मल्टीपल ऑफसेट यूज़ करने पे कंस्ट्रेंट नहीं आते हैं। तो आपको याद रखना है कि आपको कंस्ट्रेंट डबल क्लिक करके हर एक ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअली देखे ऑफसेट करना है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर इसको ऑफसेट कर ऑफसेट किया मैंने, ठीक है, सिमिलरली इसको मैं ऑफसेट कर रहा हूँ, ये सिमिलरली ये भी ये ऑफसेट। देखिए जब मैं ऑफसेट कर रहा हूँ तो मैं इससे कनेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब देखिए ये जब ऑफसेट किया तो ये हमें ओवर कंस्ट्रेंट कंडीशन बता रहा है। ओवर कंस्ट्रेंट इसलिए कि जब आपने इस सर्कल को इससे कनेक्ट किया, मतलब इस लाइन से कनेक्ट किया, तो ये लाइन के बीच का जो गैप है वही गैप इसमें भी होगा, तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक डायमेंशन को यहाँ पर क्या करूँगा, डिलीट कर दूँगा। तो देखिए ये डिलीट हो गया, ये लाइन का लेंथ मैंने यहाँ पर कितना दिया, जो गैप है वो 10 कर दिया, ये गैप भी कितना कर दिया, 10 कर दिया। सिमिलरली यही सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी थी, तो इसको मैं बीच वाले गैप को डिलीट करूँगा और ये गैप भी कितना दे दूंगा, 10 दे दूंगा। क्लियर है? अब देखिए ये जो सर्कल के साथ प्रॉब्लम है, ये सर्कल का सेंटर, देखिए मैंने आपको बताया था ना कि दोनों सर्कल का सेंटर सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों के बीच में हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रिसिटी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि कभी भी कोई भी सर्कल अगर कॉन्सेंट्रिक ना रहे, देखिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रिसिटी अब मैच नहीं हो रही। ये कॉन्सेंट्रिसिटी इसलिए हट गई क्योंकि मैंने ये दो सर्कल के बीच का गैप को डिलीट किया था, ठीक है। तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, हम इसको डायलॉग बॉक्स से मैन्युअली कंस्ट्रेंट करके ठीक कर देंगे। अब देखिए मेरे को ये दिख रहा है कि ये सर्कल का जो पार्ट है, आप यहाँ पे देखिए सर्कल का पार्ट आगे तक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इस एंड को पिक करके इसको आगे ट्रैक कर सकते हो, इसको भी एंड को पिक करके आगे ट्रैक कर सकते हो। ये सर्कल का ये एंड भी आपका यहाँ पे देखिए कनेक्ट होना चाहिए, इसको यहाँ पे ट्रैक किया, इसको भी यहाँ पे ट्रैक किया। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये एंड कंट्रोल बटन प्रेस करके और एक ये एंड बटन, ये एंड सेलेक्ट करिए दोनों एंड्स को और यहाँ पे क्या डिफाइन करिए, कोइंसिडेंस। सिमिलरली इस एंड को और एक ये वाले एंड को भी सिलेक्ट करके क्या डिफाइन करेंगे, कोइंसिडेंस। क्लियर है? अब इसके बाद आपने क्या करना है, इस वाले लाइन से ये वाले लाइन तक, मतलब ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन इधर ड्रॉ करनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ये ड्रॉ कर देंगे। अब आपको सिर्फ क्या करना है, ट्रिमिंग करनी है, जो पार्ट आपको नहीं चाहिए उस पार्ट को आप क्या करेंगे, ट्रिम करेंगे। मे भी हो सकता है ट्रिमिंग करते टाइम कुछ कंस्ट्रेंट डिलीट हो जाए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमने कंस्ट्रेंट करना सीखा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं कंस्ट्रेंट करने के, प्लस ये भी है कि अगर कोई कंस्ट्रेंट आपका हट जाता है तो वो वाइट ऑब्जेक्ट को आप मूव करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि आखिर इसमें इशू क्या है। इसको मैं स्केप करता हूँ, ये जो कमांड एक्टिव था हमारा इसको कैंसिल किया। तो देखिए ये बी हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब नेक्स्ट जो ड्राइंग मैं आपको बता रहा हूँ वो ये वाला ड्राइंग है। इस ड्राइंग में अभी हम क्या करेंगे, इस ड्राइंग में सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, वो भी सेंटर रेक्टेंगल, क्योंकि देखिए सिमेट्रिकल भी है तो कहीं कहीं हम इसमें मिरर भी यूज़ कर सकते हैं, हम ऑफसेट तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, ठीक है। फ्लेट भी है यहाँ पर, देखिए तो मैंने यहाँ पर पहले रेक्टेंगल पिक किया,
अब इस रेक्टेंगल को मैं डायमेंशन दे देता हूँ, ये जो लाइन है ये हमारा 30 का होना है, ये जो लाइन है ये होनी है 23.8, और इसको थोड़ा सा जूम करूंगा मैं। अब नेक्स्ट मेरे को देखे इस लाइन के पैरेलल एक लाइन चाहिए 5 डिस्टेंस पे, तो मैंने अभी ऑफसेट आपको बताया हुआ है, आप इस लाइन से यहाँ पे सेलेक्ट करिए, आप इस लाइन को ये मैं फिर से दोबारा सेलेक्ट करूँगा, देखिए ये सिलेक्टेड है तो इसके पैरेलल ही लेके आएगा, तो पहले सिलेक्शन को कैंसिल करके फिर ऑफसेट लिया, फिर इस लाइन के पैरेलल ही ये मैंने ऑफसेट किया। ये डिस्टेंस मैं एडिट कर लेता हूँ, इसको 5 करूँगा, इसको भी डिस्टेंस कितना करूँगा 5 करूँगा। फिर नेक्स्ट मेरे को ये लाइन के पैरेलल ऊपर एक लाइन चाहिए, ये लाइन के पैरेलल एक नीचे लाइन चाहिए, कितने गैप में ये लाइन चाहिए 3.8 में, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके ऑफसेट यूज़ करिए, एक बार इधर ऑफसेट करेंगे एक बार इधर ऑफसेट करेंगे, ये लाइन का लेंथ ये जो गैप है दोनों के बीच में 3.8 देंगे, और इसको भी गैप कितना देंगे 3.8 देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर ट्रिमिंग करेंगे, ये पार्ट और ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा ट्रिम हो जाएगा, तो आप देखेंगे बहुत सिंपली हमने ऑफसेट के थ्रू ये चीज़ बना ली। ऑफसेट में एक बेनिफिट ये होता है कि डायमेंशन ऑटोमेटिकली आता है, आपको सिर्फ डायमेंशन को एडिट करना होता है। अब मेरे को इस लाइन के अलॉन्ग एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करना है, तो मैं एक सर्कल यहाँ पर ये ड्रॉ करूँगा, ये सर्कल का मैं रेडियस या डायमीटर कितना दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ है हमको 5, तो मैं यहाँ पर 5 डायमीटर डिफाइन करूँगा। मेरे को सेम सर्कल बॉटम में भी चाहिए नीचे, तो मैं इसको दोबारा बनाने की बजाय मैं यहाँ पर मिरर यूज़ करूँगा, तो मिरर जब यूज़ करूँगा तो ये मिरर होके आ जाएगा। अब मेरे को सिर्फ क्या करना है, ये दोनों सर्कल के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस डिफाइन कर देना है 17.5, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे एक सर्कल यहाँ पे, दो सर्कल्स यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये दिख ही रहा है ये एक्सेस ओरिजिनल एक्सेस, आपको यहाँ पर ये एक्सेस को ट्रैक करते हुए ये सर्कल्स यहाँ पे बना देना है। अब मैं यहाँ पर डायमेंशन दूंगा, ये है एक डायमेंशन है 6.3 का और एक डायमीटर है 15 का। अब मेरे को ये भी दिया हुआ है कि दोनों के बीच का सेंटर डिस्टेंस 18 होना है, तो मैंने सेंटर पॉइंट और इस लाइन को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर डिस्टेंस कितना दे दिया 18। अब मेरे को एक हॉरिजॉन्टल लाइन, टू हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे को ड्रॉ करनी है इस सर्कल के कॉर्नर से, क्वाड्रेंट बोल सकते हैं हम इसको, यहाँ से एक इधर तक, फिर देन एक लाइन इधर से इधर तक। अब देखिए ये जब लाइन ड्रॉ किया है दिख रहा है हॉरिजॉन्टल है, बट हॉरिजॉन्टल का एच यहाँ पर मिसिंग है। आप देखिए हॉरिजॉन्टल है, आप जब इसको मूव करेंगे इसके हॉरिजॉन्टल पोजीशन भी क्या होगी, गड़बड़ हो जाएगी, तो आपको इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्या डिफाइन करना है हॉरिजॉन्टल। सिमिलरली इसको भी सिलेक्ट करके आप यहाँ पे इसको भी क्या देंगे हॉरिजॉन्टल। अब देखिए आप यहाँ पे हमें फ्लिट होना है, फ्लिट करना है, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक ऑब्जेक्ट ट्रिम होगा और सेकेंड ऑब्जेक्ट ट्रिम नहीं होगा, तो अब यहाँ पे हमें फ्लिट या कॉर्नर का सेकेंड ऑप्शन यूज होगा। जब हम कॉर्नर पिक करेंगे तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे ट्रिम फर्स्ट एलिमेंट, मतलब सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को ट्रिम करिए सेकेंड को मत करिए। तो मैं फर्स्ट एलिमेंट इसको सिलेक्ट करूंगा क्योंकि इसे ट्रिम करना है, सेकेंड एलिमेंट इसको सिलेक्ट करूंगा इसे ट्रिम नहीं करना है, इसको वैल्यू में एडिट करके क्या दूंगा, इसको वैल्यू दूंगा मैं 5। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखेंगे इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने रेडियस दे दिया इसका 5। तो आप देखेंगे ये टूल था हमारा ऑफसेट टूल के थ्रू हमने ये ड्राइंग्स बना के आपको दिखाई है, ठीक है। तो आपको ये ड्राइंग्स को प्रैक्टिस करना है दोबारा से, और आगे फिर हम और भी कुछ टूल्स सीखेंगे और उससे रिलेटेड ड्राइंग्स बनाएंगे। अभी के लिए इतना ही।